और आइए अब सीधे चलते हैं भोपाल के गोविंदपुरा, जहां एक आवासीय परिसर का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। स्वास्थ्य मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य तथा जनसंपर्क श्री पीसी शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री लखन घनघोरिया जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय श्री आरिफ मसूद विधायक भोपाल मध्य, पुलिस महानिदेशक महोदय मध्यप्रदेश श्री वीके सिंह जी, पुलिस महानिदेशक एवं अध्यक्ष मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम डॉक्टर शैलेन्द्र श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग श्री एस एन मिश्रा जी, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं प्रबंध संचालक निगम संजय वी माने जी, सभी का मंच पर बहुत बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय देवी सज्जनों, आज मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम ने अपनी उच्च स्तरीय कार्य दक्षता, व्यावसायिक प्रतिबद्धता एवं अनुशासन से एक प्रतिष्ठापूर्ण निर्माण इकाई के तौर पर अपना स्थान निर्मित किया है। आज हम पुलिस विभाग के अलावा प्रतिस्पर्धी माहौल में माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ तथा गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी के नेतृत्व में एक श्रेष्ठ निर्माण एजेंसी के तौर पर हर दिन अपनी पहचान पुख्ता बना रहे हैं। प्रगति के 35 वर्षों के इस सफर में हमारा लक्ष्य है द्रुत गति से उत्तम गुणवत्ता का निर्माण। हम आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन में शामिल हों। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री वीके सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत। अध्यक्ष मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन डॉक्टर शैलेन्द्र श्रीवास्तव। अध्यक्ष मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन डॉक्टर शैलेन्द्र श्रीवास्तव। प्रमुख सचिव गृह मध्य प्रदेश शासन श्री एस एन मिश्रा जी। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग श्री संजय वी माने। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए श्री आदर्श कटिहार एडीजी भोपाल से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी का स्वागत करें। श्री आदर्श कटियार, इसके बाद एडीजी भोपाल श्री अनंत कुमार सिंह जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत करें। उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल श्री इरशाद वली जी से विनम्र आग्रह भोपाल के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी का स्वागत करें। श्री साई कृष्ण एस थोटा एसपी दक्षिण भोपाल श्री आरिफ अकील जी का स्वागत करेंगे। श्री जेएन पांडे अधीक्षण यंत्री जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री पीसी शर्मा जी का स्वागत करें। श्री किशन विधानी जी अधीक्षण यंत्री जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री लखन घनघोरिया जी का स्वागत करें। परियोजना यंत्री श्री आलोक निगम जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय विधायक महोदय श्री आरिफ मसूद जी का स्वागत करें। और उसके बाद परियोजना यंत्री श्री जेके श्रीवास्तव जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम आदरणीय श्री संजय वी माने जी अब स्वागत उद्बोधन देंगे।
इस लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, प्रदेश कैबिनेट के मंत्रीगण, श्री बाला बच्चन जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, माननीय अरिफ अकील जी, माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय पीसी शर्मा जी, विधायिका माननीय श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक आरिफ मसूद जी, मंत्री लखन घनघोरिया साहब, उपस्थित मंचासीन अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, इस शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश में कारपोरेशन द्वारा पुलिस विभाग के राजपत्रित व आरक्षक सवर्ग के 1813 आवास गृह लागत 300 करोड़ रुपए एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 108 आवास गृह जिनकी लागत निर्माण है 18 करोड़ का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इस तरह इसकी पूरी लागत लगभग 334 करोड़ रुपए है। जैसा कि विदित है कि शासन द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना योजना विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी। 1982 से कारपोरेशन ने स्वयं कार्य करना प्रारंभ किया। आज के समय में पुलिस के अलावा अन्य विभागों के भी काम पुलिस कारपोरेशन कर रही है। कारपोरेशन द्वारा अब तक 23,664 आरक्षक एवं प्रधानरक्षकों के आवास एवं 4,176 एनजीओ आवास, इस तरह कुल 27,840 आवास गृहों का निर्माण किया जा चुका है। कारपोरेशन ने इस समय हाई राइज बिल्डिंग्स और अत्याधुनिक सुविधायुक्त कार्य किए जा रहे हैं। 2005 में कारपोरेशन का टर्नओवर जहां 2.95 करोड़ था, जो अब बढ़कर लगभग 662 करोड़ हो गया है और आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 950 करोड़ की वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है। कारपोरेशन द्वारा पुलिस कर्मचारियों को अत्यंत सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव उनकी कार्य क्षमता पर, उनकी इफिशियंसी पर पड़ता है। कारपोरेशन पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य करने के लिए भी प्रयत्नशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अनवरत तरक्की की ओर अग्रसर होकर अधिक अच्छे निर्माण भविष्य में नवीन तकनीक के साथ किए जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रबंध संचालक महोदय श्री संजय मानी जी, अब बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं उनके आशीर्वचनों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी अब अपने आशीर्वचन देंगे। जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। मंत्रिमंडल में मेरे साथी बाला बच्चन जी, गोविंद सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, आरिफ अकील जी, पीसी शर्मा जी, हमारे विधायक आरिफ मसूद जी, कृष्णा कौर जी, डीजीपी बीके सिंह जी, शैलेन्द्र श्रीवास्तव जी, संजय माने जी, हमारे प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा, पल्लवी जी, सभी यहाँ पुलिस के अफसरगण, सदस्यगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। और ये एक नया निर्माण जो हाउसिंग का हुआ है, ये केवल एक नया निर्माण नहीं है, पर आज का जो बदलता समय है उसका एक प्रतीक है। 20 साल पहले जब हम किसी बिल्डिंग का, हाउसिंग का निर्माण करते थे, उसमें प्रावधान पार्किंग कि कैसे समय बदल रहा है, इस बात का भी प्रतीक है कि हाउसिंग कॉरपोरेशन, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन खुद कैसे बदली है। और हाउसिंग कॉरपोरेशन ने प्रस्तुत किया है पुलिस का बदलता चेहरा, पर यह बदलता चेहरा केवल हाउसिंग या बिल्डिंग या स्टेडियम निर्माण का ना हो, यह बदलता चेहरा पूरे पुलिस विभाग का हो। आज शासन का चेहरा दो चीजों में है, पुलिस विभाग
और स्वास्थ्य का। डॉक्टर के पास अस्पताल तो कोई जाता है जब वो परेशानी में होता है, पुलिस में नहीं वो जाता है जब वो परेशानी में होता है। ये दो जगह कोई खुशी से नहीं जाता, सही बात है ना, कोई खुशी से नहीं जाता। तो इसलिए ये चेहरा कैसा हो, ये चेहरा ऐसा हो जहां लोगों को विश्वास हो, लोगों को विश्वास हो, राहत का विश्वास हो, अप्रोच और एटीट्यूड का विश्वास हो। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। हमें याद रखना है कि विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है, अपने देश में परिवर्तन हो रहा है, अपने प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज की नई पीढ़ी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान जो जुड़ा हुआ है इंटरनेट से, आज के नौजवान के पास जो ज्ञान है, क्या ये ज्ञान हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके जवानी में ये ज्ञान उनके पास नहीं था। और यही हमें पहचानना है, ये बदलाव, ये परिवर्तन हमें पहचानना है कि आज की जो नई पीढ़ी है उनके नजरिए में, उनके दृष्टिकोण में कैसा देश है, कैसा प्रदेश है, कैसी सुविधाएं हैं। उनमें भी एक तड़फ है, उनमें भी एक सोच है, और ये आज आवश्यकता है कि हम समझें। हमारा प्रयास गवर्नमेंट में है कि हम मध्य प्रदेश का भी एक नया चेहरा बनाएं, मध्य प्रदेश की पहचान बने, केवल अपने देश में नहीं पूरे विश्व में पहचान बने, तभी तो यहां मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। अगर मध्य प्रदेश की पहचान, हमारा प्रोफाइल कैसे होना चाहिए मध्य प्रदेश का, क्या हमारी तुलना छोटे छोटे प्रदेशों से होनी चाहिए, या हमारा तुलना जो ज्यादा विकसित प्रदेश है बड़े प्रदेशों से होनी चाहिए। पर यह तभी होगी जब हम सब मिलकर ऐसा एक प्रोफाइल बनाएं। मैं तो बधाई देता हूं, इंदौर को बधाई देता हूं, भोपाल को बधाई देता हूं कि आज ये हमारा जो सबसे साफ शहर पूरे देश में इंदौर है। पर इससे हमें संतुष्ट नहीं रहना है, भोपाल क्यों नहीं, हमारा जबलपुर क्यों नहीं, पूरा हमारा ग्वालियर क्यों नहीं, और विभिन्न हमारे जो जिले मुख्यालय हैं, इससे बनता है। और हमारे पास है क्या नहीं, हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है मध्य प्रदेश के पास, ये बहुत बड़ी हमारा संसाधन है। हम अपने देश का इंटेलेक्चुअल कैपिटल मध्य प्रदेश को क्यों ना बनाएं। इसी से मध्य प्रदेश का प्रोफाइल चेंज होगा, इसी से लोगों को विश्वास होगा मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। निवेश आएगा केवल रोजगार की बात नहीं है, आर्थिक गतिविधि की बात है। इसमें ये हाउसिंग बनी, ये बिल्डिंग बनी, मजदूरों को मजदूरी मिली, किसी को कुछ ना कुछ मिला, पर साथ साथ जो आर्थिक गतिविधि बनी, आर्थिक गतिविधि प्रदेश में कैसे बढ़ाए, हमारा व्यापार कैसे बढ़े। जब क्रय शक्ति बढ़ती है, जब क्रय शक्ति बढ़ती है, खरीदने की ताकत बढ़ती है, तब आर्थिक गतिविधि बनती है, कोई छोटा मोटा काम कर लेता है। तो हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में हम एक पहचान बनाएं। और खास करके जब मैं कहता हूं कि पुलिस विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, ये दो विभाग हैं, इसमें खुद ही हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, खुद ही हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हम में क्या कमी है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की टेक्नोलॉजी थी कितनी बदल गई, 10-15-20 साल पहले पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग होती थी, और अगले 5 साल में और अलग होने वाली है, फेशियल रिकग्निशन आएगा। आज औद्योगिक क्षेत्र में रोबोटिक्स का बहुत बड़ा भाग है, रोबोटिक्स की एक क्रांति आने वाली है। ये सब के लिए हमें तैयार रहना है। 20 साल पहले आईटी का की राजधानी हमारा बेंगलोर बन गया, आंध्रा बन गए, पर आईटी का मतलब क्या है, किस प्रकार की आईटी की हम बात करते हैं, वो तो बीता हुआ समय है। आज तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करनी है, हम कैसे मध्य प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाएं, इस पर हमें सोचना है, और उस तरह हमें अपनी योजनाएं बनानी है। मुझे इस बात
की खुशी है कि यह परिवर्तन दिखना शुरू हुआ है। जब हमारी सरकार आई थी भोपाल में दो फ्लाइट चलती थी, आज कितनी चलती है? लोग कहते थे जब मैं जाता था एयरपोर्ट कितनी फ्लाइट थी, दो फ्लाइट थी, आज कितनी फ्लाइट है? यह इस बात का प्रतीक है कि लोग मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे निशान हैं, ऐसे चिन्ह हैं जहां मध्य प्रदेश में हमें इससे जुड़ना है, और मुझे पूरा विश्वास है ये केवल शासन का काम नहीं, ये मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति का काम है। हमारे पास कौन सी चुनौती नहीं है, हमारे नौजवानों की भविष्य की चुनौती है। आज के नौजवान की जो तड़प है व्यवसाय की तरफ है, रोजगार की तड़प है। हमारे कृषि क्षेत्र में जहां 70% मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से, हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति आए, तभी तो हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तभी तो हम कहने लायक बनेंगे कि हम जहां भी देश में जाएं हम छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश से हैं। हमारे मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान केवल गरीबी से नहीं होनी चाहिए, हमारे मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होनी चाहिए, हमारे मध्य प्रदेश की पहचान हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से होनी चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और मुझे विश्वास है कि जो बल और शक्ति आप मुझे दे रहे हैं उस बल और शक्ति से हम मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। स्थित आवासीय परिसर का आगाज कर रहे थे मुख्यमंत्री कमलनाथ, और उन्होंने परिवर्तन पर जोर देते हुए कहा कि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, जिस तरह से देश बदल रहा है, नौजवानों की सोच बदल रही है, उसे हमें समझना होगा। और पुलिस की छवि किस तरह से बेहतर हो, लोग उन पर भरोसा करें, विश्वास करें, इसकी इस दिशा में भी काम करना बहुत जरूरी है। प्रबंध संचालक श्री संजय वी माने जी से विनम्र आग्रह है कि मंचासीन सभी विभूतियों को आदर के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सभी माननीय मंत्रीगण तथा सभी विभूतियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आदरणीय प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पुलिस। इस बीच उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से यहाँ पर समय निकाल करके हमें गौरवान्वित किया। इस अवसर पर पधारे गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी, माननीय मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री श्री आरिफ अकील जी, माननीय मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट जी, माननीय मंत्री श्री पीसी शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री लखन घनघोरिया जी। भोपाल क्यों नहीं, हमारा जबलपुर क्यों नहीं, पूरा हमारा ग्वालियर क्यों नहीं, और विभिन्न हमारे जो जिले मुख्यालय हैं इससे बनता है और में कैसे नई क्रांति। एमडी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन संजय माने सर इस अवसर को पधारे, सारे सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया के हमारे बंधु एवं गणमान्य अतिथि गणों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल श्री इरशाद वली जी। इस विशिष्ट कार्यक्रम के साक्षी बने हम आप सभी का
भाई साथ में।